हेलो फ्रेंड्स, पर्सनावली 1.2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पर्सनावली 1.1 पढ़ा दिया है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पर्सनावली 1.2 का प्रश्न फर्स्ट। आइए दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं। लिखा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको कुछ संख्या दी रहेंगी, गिनती दी रहेंगी, और उसे आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों, आपके NCERT बुक में पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 140। 140 का आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। आइए हम करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं। 140 का हमें निकालना है। अब फ्रेंड्स, 140 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद ये आपका कितना हो जाएगा, 70 के बाद आपको इसे 2 से डिवाइड करना है और ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 35। और 35 होने के बाद आपको इसे 5 से डिवाइड करना है। फिर आपका यहाँ बचेगा 7, और 7 के बाद आपको इसे सीधा 7 से ही डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये विषम संख्या, और विषम संख्या स्वयं से कटती हैं या एक से। तो दोस्तों, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका दोस्तों देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जो 140 है इसका होगा बराबर होगा 2 × 2 × 2 × 5 × 7। तो फ्रेंड्स, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो ये मैंने लिख दिया है जितना मैंने लासा मिला मुझे। अब इसे आप लोगों को इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा दोस्तों, यहाँ 2 की संख्या 2 है तो इसे आपको 2 के ऊपर 2 घात लिख देना है। अगर मैं इसे गुणा करूँ तो 2 × 2 = 4 और ये भी 2 × 2 = 4 ही होगा, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एवं 5 एवं 7। तो ये हो गया दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड। ये है दोस्तों 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है अभाज्य गुणनखंड, ये फ्रेंड्स है 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए हम नीचे लिख देते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ। तो यहां लिख दीजिए कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको 2 × 2 = 5 × 7 प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को लासा तो निकालना आता ही होगा, तो ये आपके पूरे लासे पे डिपेंड है। आपको लासा निकालना है 140 का। 140 का जब आप लासा निकालेंगे तो देखिए, ये गुणा करेंगे उतना ही आएगा, 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20 20 = 7 140। तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ अगर 2 है 2, यानी कि 2 संख्या है 2 के, तो 2 की घात 2 लिख दिया। अगर 3 होता 2 की घात 3 लिखता। अगर यहाँ 5 की संख्या 2 होती तो हम 5 की घात 2 लिखते। आइए फ्रेंड्स, ये मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 5 × 7। आइए फ्रेंड्स, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, तो फ्रेंड्स आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसका अभाज्य गुणनखंड ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए हम ज्ञात करते हैं। ज्ञात कैसे करना है, ठीक उसी प्रकार से देखिए, आपको इधर लेना है 156, और 156 को आप छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करें। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से जैसे आपका ये डिवाइड होगा सबसे छोटी संख्या 2 से, अब जो हमें प्राप्त होगा वो रहेगा 78। 8 × 16 = 6 7 × 14 = 15। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमें दोस्तों डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 39। तो फ्रेंड्स, आपका ये आया 39। अब हम इसे करेंगे डिवाइड 3 से। तो फ्रेंड्स, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो
थ्री वन जा थ्री, ठीक है, तो फ्रेंड्स एंड थ्री थ्री जा नाइन, तो ये हो गया आपका 13। फिर हम इसे सीधा 13 से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 1। क्या आएगा दोस्तों 1। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसे लिख देते हैं कि जो फ्रेंड्स आपको 140 प्राप्त हुआ, सॉरी फ्रेंड्स 156 का आपका जब इसे फैक्टर बनाएंगे तो ये देखिए इतना आप जब गुणा करेंगे इतना से, ये इतना से जब आप गुणा करेंगे तो आपका 156 आ जाएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, दो दो नी चार, चार तेई बारह, बारह अठारही 156। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्या अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसका होगा फ्रेंड्स किसका, 156 का 2 की घात 2। यहाँ भी 2 की संख्या 2 है, कितनी है फ्रेंड्स, जो 2 की संख्या 2 है एवं 3 की संख्या 1 है एवं 13 की संख्या 1 है, तो ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। आइए हम नीचे लिख देते हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, दोस्तों आप लोगों को कलर पेन का एग्जाम में यूज नहीं करना है, गुणनखंड कितना होगा फ्रेंड्स 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार से एक एक क्वेश्चन समझिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिया 156 का मैंने निकाला अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 प्राप्त हुआ। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन आप लोग यार याद कर लीजिए। तो आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है आपका 38-25। 3825 का आप लोगों को निकालना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक वही आप लोगों को करना है जो अगले क्वेश्चन में आपने किया है। इधर आप लोगों को इसे बनाना है फैक्टर, तो आप लोग इसे इधर मासा ज्ञात करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स लासा। तो 38-25 का जब आप लासा ज्ञात करेंगे, ये किस संख्या से कटेगी, देखिए 3 से कटेगी कि नहीं। तो 3 से कटने के लिए एक ट्रिक है कि आप इसे जोड़ें और देखें 3 से कट रहा है, तो 5 2 7 7 and 8 15 15 3 18 कट रहा है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 12 एवं 75। ठीक है, अब आपका ये फिर से 3 से कटेगा, 3 से जब आप इसे काटेंगे तो 4 25। अब दोस्तों हम इसे 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 85। ठीक है 85 आएगा, तो आप इसे अब काटेंगे किससे, 5 से, तो ये आपका आएगा 17, और 17 खुद से कट जाएगी। अब फ्रेंड्स हम इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाएं, अभाज्य गुणनखंड इसका आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो आपका है 38-25 वो बराबर है 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आइए हम लिख देते हैं, बहुत ही ईजी है यार, सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए और वीडियो को थोड़ा भी मिस ना कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके किसका NCERT बुक का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसे आप जरूर एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि NCERT बुक से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ये देखिए 3 की संख्या 2 है, तो हम लिखेंगे 3 की संख्या 2 घात लगा देंगे, 5 की संख्या 2 है, 5 की संख्या की 2 घात लगा देंगे, और 17 की 1 है तो 1, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स वेरी इजी है, वेरी सिंपल है, आप लोग एक बार समझें और फिर आजमाएं। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन कौन सा है, आइए हम देखते हैं, ये है आपका दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो है वो है 5005, ये आपका फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है, कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम इसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है इसका, तो आप क्या करेंगे, आपको डिवाइड करना है, तो आइए इधर हम करते हैं 5005,
फ्रेंड्स ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि किस संख्या से कटेंगी। थ्री से देखिए कट रहा है कि नहीं, फाइव फाइव टेन, टेन नहीं कटेगा थ्री से, तो ये फाइव से ही कटेगा। तो यहाँ आपका आएगा फाइव पंजा फाइव एंड फाइव पंजा फाइव, ठीक है। एवं जब आप इसे सेवन से डिवाइड अप करना है तो सेवन से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 143। अब फ्रेंड्स अब इसे आप लोगों को 11 से डिवाइड करना है, 11 वन जा 11 एवं 11 थ्री जा 33। अब यह आपका आएगा 13 से डिवाइड करना है। ये फ्रेंड्स इसका हो गया आभाज गुणनखंड, और इसे आप लोगों को इधर लिख देना है 5005 बराबर होगा 5 × 7 × 11 × 13। फ्रेंड्स इसका आभाज गुणनखंड यही होगा, क्योंकि ना ही इसमें पाँच की संख्या दो है तीन है, ना ही सात की संख्या दो है, ना ही ग्यारह का, ना ही तेरह का। तो आप लोगों को ठीक इसका आभाज गुणनखंड क्या होगा, यही होगा। तो इसका जो आभाज गुणनखंड है, आभाज गुणनखंड जो इसका होगा दोस्तों, यही होगा 5 × 7 × 11 × 13। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन, और वेरी इजी है। आइए हम नीचे थोड़ा लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। लिखना है आपको कि 5005 का आभाज गुणनखंड क्या होगा। फ्रेंड्स 5 × 7 × 11 × 13, ये फ्रेंड्स यही होगा इसका आभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स ये था आपका चौथा क्वेश्चन, और मेरी आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक एक क्वेश्चन समझे तो एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो फाइव क्वेश्चन इसमें लगाएंगे, फाइव क्या पूरा एक्सरसाइज ही लगा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन एवं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लास्ट क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 74 29, ये आपका फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन का आप लोगों को ज्ञात करना है क्या, आभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स आइए हम इसका आभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इसे आप लोगों को साइड में उसी प्रकार से लिख लेना है, और इसका आप लोगों को ज्ञात करना है आभाज्य गुणनखंड। तो आभाज्य गुणनखंड जब आप ज्ञात करेंगे तो इसे हम कितने से डिवाइड करेंगे, 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 437। और फ्रेंड्स अब ये आपका डिवाइड होगा सीधा 19 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, और फिर इसको 23 से डिवाइड कर देना है, ये आपका आएगा 1। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि इसका जो आभाज गुणनखंड होगा ठीक इतना ही होगा जितना आप लोगों को प्राप्त हुआ। ना यहाँ आपके 17 की संख्या दो है कि हम घात लगाएं, ना 19 की संख्या दो है कि हम घात लगाएं, ना 23 की संख्या दो है कि हम घात लगाएं। तो फ्रेंड्स आइए हम यहाँ लिख देते हैं आभाज्य गुणनखंड बराबर, इसका आभाज गुणनखंड होगा ठीक इतना है। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी आशा है कि आप लोगों को ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग सही से पढ़िए, मैं आप लोगों को इसका टेस्ट भी लूँगा बाद में। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब मैं मिलूँगा गणित के एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।